हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुजरात की 50 संदिग्ध गाड़ियों पर बोली आरजेडी। साहिब की सेवा में प्रोग्राम किए हुए ईवीएम पहुंच चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2019 की सबसे हॉट सीटों में से एक वाराणसी एक बार फिर विवादों में फंस सकता है। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर एक पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गुजरात की कुछ संदेहास्पद गाड़ियों का जिक्र है जो वाराणसी की तरफ जा रही हैं। दरअसल जाहिदनामा नाम के एक फेसबुक पेज से 6 मई दोपहर 2 बजे के करीब 3 तस्वीरों के साथ एक पोस्टर शेयर की गई थी। तीनों तस्वीरों में महिंद्रा स्कॉर्पियो की कुछ गाड़ियां दिख रही हैं, जिसके ऊपर कुछ सामान रखा है। क्या रखा है ये दिख नहीं रहा, क्योंकि सामान को प्लास्टिक से कवर किया गया है। सभी गाड़ियां लगभग सेम मॉडल की हैं। इतना ही नहीं, तस्वीर में यह भी दिखा है कि सभी गाड़ियों पर गुजरात का नंबर प्लेट लगा हुआ है। जाहिदनामा नाम के फेसबुक पेज से इन तीनों तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा गया है कि मित्रों, ये देखिए, यह फोटोग्राफ मैंने कानपुर वाराणसी के बीच NH2 पर अभी अभी क्लिक किया है। गुजरात की गाड़ियां एक ही मेक एक ही कलर एक साथ कम से कम 50 की संख्या में बनारस की तरफ बढ़ती जा रही हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता कि इनके ऊपर क्या है और अंदर क्या चीज भर कर बनारस पहुंचाया जा रहा है, लेकिन काफिले का चाल चलन संदेहास्पद लग रहा है। इन गाड़ियों को ओवरटेक कर चुका हूं, टोल प्लाजा और चेक पोस्ट पर भी नहीं रुक रही हैं। क्लियर करने के लिए हर जगह पुलिस पहले से ही खड़ी हुई है। अब इस मामले में लालू यादव की पार्टी राजद ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, साहिब की सेवा में प्रोग्राम किए हुए ईवीएम और नोटों की गड्डियां पहुंच चुकी हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।